इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम शशांक याग्निक है और आप खबर बेबाक देख रहे हैं। आईपीएल 2022 का आज 12वां मुकाबला खेला जाएगा और इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के सामने होगी लखनऊ सुपर जायंट्स। अब इस मैच के लिए अगर आप ड्रीम इलेवन पर टीम बना रहे होंगे तो आप शानदार टीम बनाना चाहेंगे, और अगर आप अच्छी टीम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है आखिरी तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दोनों टीम्स के खिलाड़ियों के कुछ आंकड़े बताने वाला हूँ जो आपको एक बेहतरीन टीम बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैच है ये डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा, मुंबई में मैच होगा, और यहाँ की जो पिच है वो बल्लेबाजी के लिए फ्रेंडली रहती है, और आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो ओवरऑल अभी तक T20 मैचेस हुए हैं उसमें लगभग 70% वो टीम्स जीती हैं जिन्होंने सेकेंड इनिंग में बैटिंग की है, यानी कि यहाँ पर चेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ऐसे में जो भी टीम टॉस जीतेगी वो यहाँ पर पहले गेंदबाजी का ही फैसला लेगी। अब इस IPL की बात करें तो यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अभी तक सिर्फ एक मुकाबला खेली है, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स यहाँ पर दो मैच खेल चुकी है। सनराइजर्स हैदराबाद को एक भी जीत अभी नहीं मिली है, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स को अभी तक दो में से एक मैच में जीत मिली है। अब लखनऊ की टीम नहीं है इसलिए सनराइजर्स हैदराबाद से कभी भी इनका एनकाउंटर नहीं हुआ है, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स में जो जो खिलाड़ी हैं जब जब वो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों के सामने खेले हैं तब उनका कैसा प्रदर्शन रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों की कि जब वो सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों के सामने होते हैं तब उनका क्या रिकॉर्ड रहता है। लखनऊ के कप्तान KL राहुल भुवनेश्वर कुमार के सामने अब तक कुल 63 गेंदे खेले हैं जिसमें उन्होंने 73 रन बनाए और भुवनेश्वर ने इनको एक बार अपना शिकार बनाया है। वहीं क्विंटन डिकॉक भुवनेश्वर के सामने 47 गेंदे खेल चुके हैं, सिर्फ 48 रन उन्होंने बनाए, हालांकि भुवनेश्वर इनको एक बार भी आउट नहीं कर पाए। अब KL राहुल श्रेयस गोपाल के सामने 40 गेंदे खेले हैं, रन बनाए सिर्फ उन्होंने 42, और इस दौरान एक बार भी वो आउट नहीं हुए। वहीं मनीष पांडे कार्तिक त्यागी के सामने 33 गेंदे खेले और यहाँ पर उन्होंने जम के इनकी पिटाई की है, 61 रन इन्होंने बनाए हैं और एक बार भी कार्तिक त्यागी उनको आउट नहीं कर पाए। मनीष पांडे के आंकड़े श्रेयस गोपाल के सामने आप देखेंगे तो 32 गेंदे उन्होंने खेली हैं, 48 रन उन्होंने बनाए हैं, इस दौरान श्रेयस गोपाल इनको दो बार आउट कर चुके हैं। वहीं मनीष पांडे वॉशिंगटन सुंदर के सामने 30 गेंदे खेले हैं, रन बनाए सिर्फ 32 और एक बार यहां पर आउट हुए हैं। मार्कस स्टोइनिस श्रेयस गोपाल के सामने 28 गेंदे कुल खेल चुके हैं और रन बनाए उन्होंने 38, एक बार वो आउट हुए हैं। वहीं क्विंटन डिकॉक श्रेयस गोपाल के सामने 28 गेंदे खेले लेकिन रन बनाए सिर्फ उन्होंने 18, इस दौरान श्रेयस गोपाल ने इनको एक बार अपना शिकार भी बनाया है। वहीं क्विंटन डिकॉक एडन मार्करम के सामने 19 गेंदे अभी तक कुल खेले हैं और 30 रन इन्होंने बनाए हैं और एक बार भी अपना विकेट इन्होंने नहीं गंवाया है। वहीं मनीष पांडे भुवनेश्वर कुमार के सामने 19 गेंदे कुल खेले हैं और रन बनाए उन्होंने सिर्फ 20, और भुवनेश्वर ने इनको लगभग 3 ओवर में 4 बार आउट भी किया है। KL राहुल वॉशिंगटन सुंदर के सामने थोड़े से परेशान दिखाई देते हैं, 18 गेंदे इन्होंने खेली और रन इनके बल्ले से निकले सिर्फ 17, इस दौरान वॉशिंगटन सुंदर ने इनको एक बार अपना शिकार बनाया है। जेसन होल्डर रोमारियो शेफर्ड के सामने 16 गेंदे खेल चुके हैं, सिर्फ 15 रन वो बना पाए हैं और इस बीच 3 बार वो आउट भी हो चुके हैं। वहीं कृणाल पंड्या भुवनेश्वर कुमार के सामने जो 16 गेंदे खेले हैं उसमें सिर्फ उन्होंने 20 रन बनाए हैं और एक बार भुवी ने इनको आउट भी किया है। अब मैं आपको बताता हूँ सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों के आंकड़े जब जब वो लखनऊ सुपर जायंट्स के जो गेंदबाज हैं उनके सामने हुए तब उनका क्या रिकॉर्ड रहा है। निकोलस पूरन जेसन होल्डर के सामने 22 गेंदे अब तक खेले हैं और सिर्फ 11 रन वो बना पाए हैं। वहीं सीन एबर्ट एंड्रयू टाई के सामने 19 गेंदे कुल खेले और रन बनाए उन्होंने सिर्फ 17, इस दौरान एंड्रयू टाई ने इनको 4 बार आउट भी किया है। केन विलियमसन मार्कस स्टोइनिस के सामने 19 गेंदे जो खेले हैं उसमें इन्होंने 29 रन बनाए हैं और एक बार स्टोइनिस ने विलियमसन को आउट किया है। वहीं राहुल त्रिपाठी कृणाल पंड्या के सामने जो 16 गेंदे खेले हैं रन बनाए सिर्फ उन्होंने 17 और इस दौरान कृणाल पंड्या ने उनको 2 बार अपना शिकार बनाया। वहीं केन विलियमसन आवेश खान के सामने कुल 15 गेंदे खेले हैं और इस दौरान इन्होंने 21 रन बनाए हैं और आवेश खान के सामने एक बार भी आउट नहीं हुए। वहीं ग्लैन फिलिप जेसन होल्डर के सामने 14 गेंदों में सिर्फ 15 रन बना पाए हैं। राहुल त्रिपाठी स्टोइनिस के सामने 13 गेंदे खेले लेकिन रन उन्होंने बनाए हैं 36, हालांकि 2 बार वो स्टोइनिस के सामने आउट भी हुए हैं। वहीं अब्दुल समद रवि बिश्नोई के सामने 13 गेंदे कुल खेले हैं, 16 रन इन्होंने बनाए और बिश्नोई ने इनको 2 बार अपना शिकार बनाया है। वहीं राहुल त्रिपाठी रवि बिश्नोई के सामने 12 गेंदे खेल पाए हैं जिसमें इन्होंने सिर्फ 11 रन बनाए हैं और बिश्नोई ने इनको 2 ओवर में एक बार आउट भी किया है। केन विलियमसन के आंकड़े अगर आप देखेंगे कृष्णप्पा गौतम के सामने तो 10 गेंदे कुल इन्होंने खेली हैं और रन बनाए सिर्फ इन्होंने 7, हालांकि आउट नहीं हुए। वहीं केन विलियमसन काइल मायर्स के सामने 9 गेंदे खेले हैं और रन बनाए सिर्फ इन्होंने 6। निकोलस पूरन का बल्ला कृणाल पंड्या के सामने चलता है,
9 गेंदें इन्होंने कुल खेली हैं, रन बनाए इन्होंने 16 और इस दौरान कुणाल पांड्या इनको एक बार भी आउट नहीं कर पाए। वहीं निकोलस पूरन काइल मायर्स के सामने 7 गेंदों में 12 रन बना चुके हैं। अब केन विलियमसन की बात करेंगे शाहबाज नदीम के सामने, तो 7 गेंदें कुल इन्होंने खेली हैं और रन भी इन्होंने सिर्फ 7 ही बनाए हैं। तो ये जो अभी मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, इनके आधार पर आप ये बात आसानी से समझ पाए होंगे कि लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजों के सामने सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों का कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं है। तो ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स के इस मैच में फेवरेट होने की पूरी तरह से उम्मीद है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, खबर बेबाक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन का बैल भी बजा लीजिएगा अगर आपको IPL से रिलेटेड इस तरह के और अपडेट्स जानने हैं। तो अब मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।